बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल रज़ाक जिनोटी फर्नीचर डॉट कॉम की जानिब से दोस्तों वेलकम करता हूं आज की फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस रस्से वाले बेड के बारे में। तो आप देख रहे हैं इसकी हाइट, आप देख रहे हैं काफ़ी से कम काफ़ी इसकी 11 फुट के करीब, 9 से 10 फुट के करीब इसकी हाइट है। और बेड ये डिको के अंदर इस टाइम हुआ है, काफ़ी भारी बेड ये बना हुआ है। दोस्तों इसके आगे जाकर इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, इसकी हाइट वगैरह और इसकी चौड़ाई वगैरह मैं तमाम आपको बताऊंगा, जूम करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी, तो गाइस आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस टाइम ये रस्से वाला बेड है। ये इसका पाए का डिज़ाइन है, इसका पाया जो कम से कम इसकी पाए की हाइट है वो 3.5 फुट के करीब इसकी हाइट है, इस साइड वाले पाए की। ये आप दिल्ला देख रहे हैं, ये मुनवत हुआ बड़ा है ये सारा, ये मुकम्मल सॉलिड शीशम की लकड़ी के अंदर ये बना हुआ है सेट। ये इसका आप साइड वाला डिज़ाइन देख रहे हैं, ये वाला देखें, ये इसका डिज़ाइन है। ये इसका ऊपर पेंदी वाला हिस्सा जो होता है उसके ताज वाला का डिज़ाइन है, ये ताज का। मैं थोड़ा सा जूम करके पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसके सेंटर वाले इसका डिज़ाइन है, साइडों में जो दिले हैं ये जाली बना हुआ था इसकी, ये ताज वाला इसका डिज़ाइन है। ये ऊपर ताज का डिज़ाइन है इसका, नीचे आप मोल्डिंग देख रहे हैं, ये देखिए काम जो हुआ पड़ा इसके ऊपर। ये छोटे छोटे से टाइलें बनी हुई है लकड़ी के अंदर, ये बनी हुई है ये रस्से वाला, इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये प्योर शीशम की लकड़ी जो होती है अटाली की, खुश्क लकड़ी के अंदर ये बना हुआ है। इसके मैं अभी आपको डिटेल जो है सर टेबल ड्रेसिंग वगैरह वो भी दिखाता हूँ। इसके साथ ये बेड सेट है, बेड के साथ जो और चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके ये डिब्बे पड़े हैं, ये इसके ऊपर इस टेबल है, ये इसकी टेबल का डिज़ाइन है, आप देख रहे हैं इतनी अंदाज इसको डाले गए हैं। ये इस पर गोली वाले चैनल इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी सेम डिज़ाइन जो बेड के साथ मैचिंग किया गया है। नीचे ये ड्रेसिंग वाले हिस्सा है, ये चार इसको खिड़की लगाई हैं, 2 दराज हैं इसके ऊपर। इसका ड्रेसिंग का ये इसकी टेबल है, जी तो गाइज ये है इसके बेडरूम सेट जो कि बेड के साथ अंदर बेडरूम 2 चेयरें 1 टेबल होता है बेडरूम सेट जिसे कहते हैं, ये वो है, ये देख रहे हैं ये इसका डिज़ाइन है बेडरूम सेट का। थोड़े टाइम के नज़ाकत से मैं आपको वीडियो जो है वो मुकम्मल नहीं दिखा सका, डाइनिंग जो है इसका वो मैं आपको वरना जोड़ के दिखाता। ये डाइनिंग की मैं चेयर आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये डाइनिंग की चेयर है इसकी, ये भी सेम उसके साथ मैचिंग की गई है। इसके ऊपर कपड़ा जो भी चाहेंगे वो लगवा सकते हैं, सिर्फ इसके ऊपर जो भी ये अखबार वगैरह चढ़ाई गई है पॉलिश करने के लिए, इसके ऊपर अखबार चढ़ा देते हैं कपड़ा गंदा ना हो, इसलिए इसके ऊपर जो अखबार है वो मैं आपको थोड़ी सी छील के दिखाता हूँ। ये देखें इसके ऊपर ये अभी कपड़ा लगाया, बैक साइड भी यही कपड़ा लगा हुआ है। ये चीज़ चेक करें, ये इसकी लुक है जब इसका कपड़ा लगेगा तो। ये इसकी डाइनिंग टेबल चेयर है, ये इसके बेडरूम चेयर है, और ये इसके डिब्बे हैं, और पीछे मैं आपको सेफ इसकी दिखाता हूँ, वो 4 पल्लों वाली उन्होंने बनवाई थी। ये इसका डाइनिंग पड़ा हुआ है, डाइनिंग में थोड़ा सा आपको शॉप पर ऊपर चढ़ा हुआ है, ये चेक करें, ये ऊपर इसके मुनव्वर है डाइनिंग के ऊपर, ये वाला पिलर और ऊपर पलवा पिलर है इसका। तो सेंटर पर ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखें बारिश थी इसलिए जो है ना सामान वगैरह जो जल्दी जाना था तो वीडियो जो लेट होगी। इसके नीचे वाले हिस्से पे ये डिज़ाइन बनवाया, ये ऊपर वाला इसका हिस्सा है, दोनों साइड पे यही डिज़ाइन है पिलर,
ये देखें नीचे ये खाली सा, ये डाइनिंग टेबल होगा इसके साथ, ये सेफ है इसके साथ की, ये सेफ अलमारी है, सेंटर टेबल सोफों के सामने जो सेंटर टेबल सेट रखेंगे वो इसके साथ ये मैचिंग है जी। तो गाइस ये हैं इसके सोफ़े, आप देख रहे हैं ये इसके साथ जो मैचिंग किए गए हैं, या सोफ़े हैं इसके, ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं। सोफ़े का डिज़ाइन कोई भी हो सकता है, वो बेड के साथ नहीं होता, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जो है साथ मिलता जुलता वो बना कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर कपड़ा जो लगा हुआ है, ये शनील का कपड़ा है, ये आप इसके अंदर डिज़ाइन देख रहे हैं। ये आप चेंज भी करवा सकते हैं, किसी और कलर के अंदर आप अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। वो पीछे इसका थ्री सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है, और ये सिंगल सिंगल पीस जो है इसके पड़े हुए हैं, इसके ऊपर अखबारें चढ़ी हुई हैं। अभी ये फाइव सीटर कहलाता है सोफ़ा, थ्री पीस बैक साइड पे इसके पड़ा है, और ये देख रहे हैं आप, और ये सिंगल सिंगल पीस है। मैंने एक से अखबार उतारी है आपको दिखाने के लिए, ये देखें। ये अगर आप सोफ़ा अकेला लेना चाहते हैं तो ये फाइव सीटर आपको 85,000 का तैयार मिलेगा, 85,000 का ये आपको विदाउट टेबल, सेंटर टेबल सेट विदाउट, 85,000 का ये सोफ़ा आपको फाइव सीटर तैयार मिलेगा। पॉलिश के अंदर, ये डिको के अंदर हुआ है, अगर डिको के अंदर आप करवाना चाहते हो वो आपको 90,000 का मिलेगा, अगर डिको से अलावा पॉलिश के अंदर करवाएंगे तो वो आपको 85,000 का फाइव सीटर मिलेगा। उसके अंदर कपड़ा जो है वो हम आपको लगा के अच्छी एक नंबर फॉर्म जो होती है गारंटी वाली मल्टी फॉर्म की, वो लगा कर देंगे। कपड़ा जो है वो आपको अच्छा लगा कर देंगे, पहले आपको कपड़ा पसंद करवाएँगे। ये थे इसके सोफ़े, मैं भी आपको इसका शोकेस वगैरह दिखाता हूँ जी। तो भाई ये है इसका शोकेस, बर्तन वाली अलमारी जो होती है वो आप देख रहे हैं। इसका यह डिज़ाइन, इसके जो दिल्ले डाले गए हैं वो भी जो शीट होती है वनीयर की उसके हैं, खिड़कियों अंदर जिसके ऊपर शटिंग आप देख रहे हैं। ये सॉल्ट के अंदर करवाना चाहते हैं तो आपको सॉल्ट भी हो जाएंगे, कोई मसला बुका हुआ है। बाकी ये मुकम्मल जो है ना सॉल्ट के अंदर शीशम के लकड़ी के बंद, ये इसका सेंटर वाला हिस्सा है दो हिस्सों वाला, ठीक है, और ये इसका सिंगल पीस इस साइड पर पड़ा है बाई वाले साइड का, और ये वाला हिस्सा जो है इसका बाई वाली साइड पे आएगा। ये फोर डोर वाली है, दो इसके ये हैं डोर, और दो डोर अलग अलग से होंगे, ये काफ़ी बड़ी बन जाएगी चौड़ाई के अंदर। इसके अंदर अगर मैचिंग अगर करवाना चाहिए, किसी और अलमारी को मैचिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं। ये इसका RCC शीशा फ्रेम है, ये इसका शीशे का डिज़ाइन है, ये आप देख रहे हैं। ये ड्रेसिंग सिंगार मेज़ के बैक साइड पे, ये ऊपर दीवार के ऊपर लगेगा, ये वो चीज़ है।